अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूँ ओशीन और आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ ऑथेंटिक इंडियन स्टाइल चिकन करी रेसिपी। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है चिकन अच्छे से धोकर साफ़ करके। मसालों में मैंने लिया 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 से 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा पाउडर लिया है मैंने। इसको अच्छे से ज़ीरे को भुनकर कूट कर ले लिया है। 1/2 छोटी चम्मच हल्दी, गरम मसाला 1 चम्मच, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग 1 कटोरी दही। तो हम ये सारे मसाले जो हैं वो सारे चिकन के अंदर ऐड कर देंगे क्योंकि हम चिकन को मैरिनेट करके बना रहे हैं। चिकन मैरिनेट करके बनाने से बहुत ही अच्छा यूनिक टेस्ट आता है, बहुत ही बढ़िया जायकेदार बनता है हमारा चिकन। तो इसके अलावा मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड किया है और ये सारे मसाले मैं चिकन के साथ में अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसको हमें करीब 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे ताकि सारे मसाले इसमें अच्छे से मिल जाए। तो इसको हम रख देते हैं। तो चिकन हमारा बहुत ही अच्छे से मैरिनेट हो गया है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिन्हें मैंने बहुत ही फाइन चॉप करके ले लिया है। इसके अलावा मैंने यहाँ लिए हैं 2 टमाटर, जिन्हें मैंने बहुत ही फाइन चॉप करके लिया है। और यहाँ पर लिए मैंने 3 से 4 हरी मिर्च, जिनको मैं बाद में यूज़ करूँगी कट करके। और इसके अलावा मैंने मसालों में लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, मसालों में मिल लिया है 1 चम्मच ज़ीरा, 10 से 15 काली मिर्च, 3 से 4 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 1 हरी इलायची, जावित्री और सिनेमन स्टिक, 2 तेज़पत्ते। तो यहाँ पर मैंने तेल अच्छे से गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल हमारा अच्छे से हीट हो गया है। ये इसमें मैं ऐड कर दूँगी जो सारे हमारे सूखे मसाले थे, पहले मैंने बे लीफ ऐड किए और ये जो सूखे मसाले थे वो सारे हम इसमें ऐड करेंगे और इसको चटकने देंगे ऑयल के साथ में। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ बहुत ही फाइन जो मैंने चॉप करके ऑनियंस लिए थे वो, इनको अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से इनको कलर चेंज होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और ये हमारी प्याज अच्छे से हो गई है। तो अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको भी हम अच्छे से भुन लेंगे। कम से कम हमें 3 से 4 मिनट इसको अच्छे से चलाते हुए भुनना है। बहुत ही अच्छा जायकेदार बनता है इस तरीके से बनाने से चिकन। तो अब ये हमारा अच्छे से भुन चुका है। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ ग्रीन चिली, जिसको मैंने ऐसे बीच में से कट्स लगा दिए हैं और इसको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। साथ ही मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ जो हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था चिकन को, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये बिल्कुल इंडियन स्टाइल चिकन करी की रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी जायकेदार बनता है। आप भी एक बार इसको अच्छे से ट्राई करें, ज़रूर ट्राई करें इसको। तो बस इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको करीब 5 मिनट तक भून लेंगे अच्छे से, लगातार चलाते हुए हमें इसे भुनना है। साथ ही मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी टमाटर जो मैंने कट करके लिए हुए थे, बारीक जो कटे ही थे, बस वो टमाटर हमें इसमें ऐड करना है। और बस इन्हें भी मसालों के साथ में अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। तो बस मैं इसको मसालों के साथ में अच्छे से भून ले रही हूँ, आप देख सकते हैं। बस इसको हमें लगातार ऐसे ही चलाते हुए भुनने के बाद में बस इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही है। वही पानी मैंने ऐड किया है जिसमें मैंने मैरिनेट किया था चिकन को। तो बस वो पानी आप फेंके नहीं और उसको बस इसमें ऐड कर दें और चिकन गलने तक अच्छे से पका लें इसको ढककर। तो आप देख सकते हैं चिकन हमारा गल गया है, ये हड्डियाँ छोड़ दी हैं चिकन ने, तो इसका मतलब ये कि हमारा चिकन अच्छे से गल गया है। तब इसको हम थोड़ा सा और पकाएँगे, अभी इसमें पानी दिखाई दे रहा है, इसको और थोड़ा सा भुनना है हमें। तो इस टाइम पे मैं चिकन में ऐड कर दूंगी हरा धनिया की पत्तियाँ क्योंकि इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आता है। और थोड़ा सा जब हम ऐड करेंगे, जब हम इसको सर्व करेंगे, तो चिकन हमारा हो गया है एकदम रेडी। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया सा चिकन हमारा रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स तैयार है हमारा चिकन एकदम सर्व करने के लिए। गर्मा गर्म बहुत ही टेस्टी जायकेदार बना है हमारा चिकन। इस मेथड से आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं कमेंट्स में। पसंद आई तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ में। अल्लाह हाफिज़।